नाज़रीन, आज हम मलक मोहम्मद रशीद खोखर साहब के पास मौजूद हैं जो कि ऑल पाकिस्तान खोखर बरादरी के सदर यूसी 38 के हैं। हम इनसे पूछेंगे कि इनकी बरादरी में भी बहुत से गरीब लोग होंगे और जो वायरस की वजह से बड़े मुतासर हुए हैं, तो आपका तल्लुक तरीके इंसाफ से है, आपके इस तरीके इंसाफ ने उनके लिए कुछ किया है? अच्छा बोलो। अच्छा, तो ये आपके मलक साजन नवाज खोखर साहब जो हैं चेयरमैन आपके, आपने इनसे कहा, इनसे कहने के जो गरीब लोग हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करें? अच्छा, इमरान खान साहब जो कुछ भी कर रहे हैं इस वायरस के हवाले से, आप इससे मुतमिन हैं ये लोगों के लिए अच्छा कर रहे हैं या नहीं? अच्छे नहीं कर रहे, अच्छी तरह कर रहे हैं। हम भी बोला तो वहाँ गरीब हर में घर भी होता है। तो आप लोग आप इसका जो भी हिफ्ज मात कदम के तौर पर उन्होंने कहा कि आप परहेज करें जिस वायरस को बढ़ाने में, आप इसके लिए कर रहे हैं? अच्छा, ये जो दुकानें वगैरह बंद की हुई हैं इनमें कोई नरमी होनी चाहिए या मज़ीद सख्त होना चाहिए इसके बारे में? नरमी होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो नाज़रीन, अभी आपने देखा कि मलक रशीद खोखर साहब बता रहे थे ये दुकानों जो है ना इसमें अब नरमी होनी चाहिए क्योंकि आगे ईद आ रही है, इस हवाले से लोग भी मतलब के भूखे ना रह जाएँ और कारोबार भी बिल्कुल ठप हुए पड़े हैं। आपकी